आज का जो हमारा लेक्चर है कोरेंट सोर्सेज, टुडेज लेक्चर इज ऑन कोरेंट सोर्सेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है. ठीक है, तो पहले कोरेंट सोर्स समझेंगे कि कोरेंट सोर्स क्या होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टू वेव्स का, मैंने जो आप लोगों को लिंक भेजा था आपके ग्रुप पे उसको देखना था, वहां पर वो सॉल्व हुआ हुआ है. ठीक है, टू वेव्स का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जब हम आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस पाई कैलकुलेट करते हैं, या कह लीजिए आर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ऐसे करके मैंने फॉर्मूला करा रखा है. ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, तो वहां से देख लीजिएगा. ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है. अगर हम वो चीजें भी कराने लगेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो फिर हम सिलेबस कवर नहीं करा पाएंगे, है ना. पूरे आपको फरवरी में जहां तक देखा जाए मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम है. तो जो सिलेबस में कंटेंट लिखे हुए हैं वो क्लास में मैं डिस्कस करूंगी. अगर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है या कुछ हमें डिस्कस करना पड़ रहा है तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को. ठीक है, तो आज कोहरेंट सोर्स पढ़ते हैं. तो कोहरेंट सोर्स क्या है? टू सोर्सेज आर कोहरेंट इफ वेव दे एमिट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज रिलेशन. यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? टू सोर्सेज आर सेट टू बी कोहरेंट इफ दे एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी और अ वेवलेंथ नियरली ऑफ अ सेम एम्पलीट्यूड व्हिच हैव आइदर इन अ फेज और हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अगर टू वेव्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस से ट्रेवल कर रही है तो हम उन टू वेव्स को कोहरेंट वेव्स बोलेंगे. प्रैक्टिकली कोई भी टू सोर्सेज कोहरेंट सोर्सेज नहीं होते हैं, बट वर्चुअली या प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है, एक्चुअल में तो नहीं होते हैं बट प्रैक्टिकल करने के लिए, हम इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने के लिए सोर्स को कोहरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल सोर्स. तो यहाँ फिगर में भी दिखा रखा है, क्या कर रखा है, सिंगल सोर्स ले रखा है एस, उसके आगे टू स्लिट्स लगा रखी है. ठीक है, अब इन टू स्लिट्स से जो लाइट निकलेगी वो क्योंकि सेम सोर्स से आ रहा है तो ये दोनों जो लाइट है सेम फेज की होंगी, या इस तरीके से रखा होगा कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा. तो ये जो सोर्स स्लिट S1 और S2 है ये सेकेंडरी सोर्स की तरह हमारे काम करेंगे, या सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से निकलती हैं, तो ये सोर्स S1 और S2 की तरह ट्रीट करेंगे और ये दोनों सोर्स एक दूसरे से कोहरेंट हो जाएंगे. उसके अलावा जो लेजर लाइट है वो हमारी कोहरेंट लाइट निकालती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे एक और मेथड दे रखा है कि किस तरीके से हम कोहरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमने क्या किया, लाइट सोर्स लिया, यहाँ पे बीम स्प्लिटर यूज किया. उस बीम स्प्लिटर पे जब लाइट इंसिडेंट हुई तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जैसा हम माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में भी करते थे. क्या करते थे, बीम स्प्लिटर या यहाँ पे थिन फिल्म रख लेते थे. तो क्या किया इसने, लाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक को कराई और उन दोनों रेज के बीच का इंटरफेरेंस पैटर्न आप डिटेक्टर में नोट कर सकते हैं. तो इफेक्टिवली दिस मीन्स दैट वेव्स डू नॉट शिफ्ट रिलेटिवली टू वन अनदर एज टाइम पासेस. लेजर आर कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, वाइल जो हम मरकरी लैम्प यूज करते हैं, सोडियम लैम्प यूज करते हैं, या जो हम अपने रूम्स में ट्यूब लाइट्स यूज करते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनकोहरेंट सोर्स, या फ्लोरोसेंट लैम्प जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं. तो कोहरेंट सोर्स पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कोहरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे. तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्सेस. ठीक है, तो कोहरेंट सोर्सेस क्या आते हैं, टू सोर्सेस आर सेट टू बी कोहरेंट इफ दे एमिट continuous light waves of the same frequency or wavelength.
nearly of the same amplitude have either in a phase or have constant phase difference. There are two type of coherence. Type of coherence कौन कौन सी हैं? एक temporal coherence और एक spatial coherence. Type of coherence. There are two type of coherence. फर्स्ट है हमारा टेम्पोरल कोहेरेंस, सेकंड है हमारा स्पेशल कोहेरेंस. ठीक है, तो टेम्पोरल कोहेरेंस भी नेक्स्ट स्लाइड से करूंगी. इतना लिख लीजिए, two sources are said to be coherent if they emit continuous light waves of a same frequency or a wavelength nearly of a same amplitude which have either in a phase or have constant phase difference. There are two type of coherence, temporal coherence or spatial coherence. लिख लीजिए मैम, यहां तक हो गया. यहां तक हो गया, चलिए तो next heading डाल लीजिए, temporal coherence. Temporal coherence. इसकी मैं दो डेफिनेशन लिखवाऊंगी. ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो आप कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख लीजिए. ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है टेम्पोरल कोहेरेंस. टेम्पोरल कोहेरेंस रेफर्स टू बी temporal coherence refers to the constancy of phase as a function of time when the wave travels and the waves travel along the same path at slightly different time. एक डेफिनेशन तो ये हो गई, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में दो वेव्स अलग अलग टाइम पे जाएं और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो तो उसको हम टेम्पोरल कोहेरेंस बोलते हैं. और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, टेम्पोरल कोहेरेंस इज अ
मेजर ऑफ कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ द कोरिलेशन between the phases of light the phases of light waves at different points at different points at different points along the direction of propagation along the direction temporal coherence is a measure of correlation between phase of light waves at different points along the direction of propagation temporal coherence tells us how monochromatic sources ठीक है अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे दोनों डेफिनेशन से ठीक क्या करते हैं टू पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए और बी ठीक है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है या हमने सोर्स ले लिया S ठीक है या दूसरा सोर्स दो सोर्स है हमारे एक S1 और एक S2 तो हमने क्या किया टू पॉइंट कंसीडर कर लिए पहले सोर्स S1 को ऑन किया और लाइट हमारी ऐसे ट्रेवल हुई इन पॉइंट्स के बीच में ठीक है फिर हमने दूसरा सोर्स ऑन किया और लाइट वो लाइट की वेव भी या इसी सोर्स को ऑन किया वो इस तरीके से जा रही है सेम इसी पे यही पाथ ट्रैवल कर रही है मतलब जो हमारा पॉइंट ए और बी है अगर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है ऐसे ही बी पॉइंट पे एवरेज वैल्यू है जब नेक्स्ट वेव गई तो इन दो पॉइंट्स पे सेम यही वैल्यू रही है ना ऐसा नहीं हुआ कि इंटेंसिटी इंक्रीज होके आई या मिनिमम वाली वैल्यू मिल गई सेम यही वैल्यू मिली हमें तो हम कहेंगे कि लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक है इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच का ठीक है या फिर देखिए अगर ऐसा हो जाता ठीक है अगर ये ऐसे ना जाके ऐसे हो जाती इन पॉइंट्स पे ठीक है तो हम कहते हैं लाइट जो है टेम्पोरल या मोनोक्रोमेटिक नहीं है इनके बीच की जो वेवलेंथ है या फेज डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है ठीक है तो टेम्पोरल कोरेंस मतलब कि अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लें और या उन दो पॉइंट के बीच में जो इसकी वेवलेंथ है वेव की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है हर बार यही रहेगा अगर मिनिमम आ रहा है हर बार तो मिनिमम रहेगा मैक्सिमम में तो मैक्सिमम रहेगा एवरेज वैल्यू तो एवरेज रहेगा अगर हमेशा इन दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे ही रहता है तो मतलब मोनोक्रोमेटिक है लाइट हमारी तो सिर्फ क्या करिएगा ए और बी पॉइंट बनाइएगा और एक रे बनाइएगा यहाँ पे मैंने तीन बना दिए हैं तो आप एक ही बनाइएगा मैं इसको इरेज कर देती हूँ तीनों को फिलहाल ठीक है तो आप क्या करिएगा सिर्फ दो वेव बनाइएगा ए पॉइंट बी और इन दोनों के बीच में जो हमारी वेवलेंथ है ये कांस्टेंट है ठीक है और हर बार जब भी रे हम सोर्स ऑन करेंगे ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहेगा हो गया मैम चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं म्यूट कर लीजिए बी है हमारा स्पेशल कोहेरेंस या सेकंड हमारा तो इसकी भी दो डेफिनेशन लिखवाऊंगी आप कोई सी एक लिख लीजिएगा स्पेशल कोहेरेंस Spatial coherence refers to the phase relationship refers
refers to the phase relationship. Phase relationship between waves traveling side by side at the same time but at some distance from one another. तो हमारा टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव हो रही है उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में जब देखते हैं कोहेरेंस, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो स्पेशल कोहेरेंस होता है. ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारी? स्पेशल कोहेरेंस is a measure of the correlation between the phase phases of a light waves at different point at different points transfers to the direction of propagation spatial coherence tells us how uniform the phase of the wavefront is. तो इसको नोट करिए, फिर इसको डायग्राम के से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये स्पेशल कोहेरेंस. क्या है स्पेशल कोहेरेंस? रेफर्स टू द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वेव्स ट्रैवलिंग साइड बाय साइड एट द सेम टाइम बट सम distance from one another. Spatial coherence is a measure of correlation between the phase of light waves at different points transferred to the direction of propagation. Spatial coherence tells us how uniform the phase of wavefront is. तो पहले वाले में क्या था, different time कह लीजिए कि उस point पे दो waves एक दूसरे से किस तरीके से related कर रही हैं. ठीक है, different points था जिस direction में propagation हो रहा था. अब यहाँ पे जो दो points हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है. तो उन दोनों पॉइंट पे उन दोनों फेज की दोनों वेव्स की क्या रिलेशनशिप है फेज की, हमारा स्पेशल कोहेरेंस होगा. तो जब ये नोट डाउन कर ले बता दीजिएगा, फिर फिगर बना के इसको समझते हैं. ओके मैम, चेंज कर दी. इसका डायग्राम करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे. हमारा प्रोपोगेशन क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, अब यहाँ पे टू सोर्सेज हैं. अब वो टू सोर्सेज इन टू पॉइंट्स पे किस तरीके से रिलेट करते हैं हर बार.
ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है दोनों, और अगर मिनिमम मिल रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो हर बार मिनिमम मिल रहा है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए एक प्लेन बना के। अब इन दो पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि जो वेव आ रही है वो मैक्सिमम ही हो रही है कि मिनिमम हो रही है। अगर इन दो पॉइंट्स पे हमेशा वो रिलेशन सेम रहता है, जैसे दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, फिर अगर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आएगी ये वेव आएगी इधर, तो दोनों पॉइंट पे मिनिमम होगा, फिर नेक्स्ट आएगी तो दोनों पॉइंट मैक्सिमम देंगे, तो इस तरीके का अगर रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर मतलब ये चीज कांस्टेंट रहे कि हमेशा इसी तरीके का ये मेंटेन करे, तो हम कहेंगे कि इसके जो वेव फ्रंट है वो यूनिफॉर्म है दोनों के, या उनके बीच में जो फेज रिलेशनशिप है वेव फ्रंट की वो सेम चल रही है। तो ऐसे सोर्सेस को हम कहेंगे कि इनका स्पेशल कोहरेंस रखते हैं ये दोनों सोर्सेस। स्पेशल कोहरेंस इज अ मेजर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फेजेस ऑफ लाइट वेव एट डिफरेंट पॉइंट्स ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन टू वेव्स ट्रैवल इन अ सेम मीडियम सेम डायरेक्शन, दे सुपर इम्पोज विद ईच अदर, और उनके सुपर पोजिशन से हमें क्या होता है, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, इसको हम सुपर पोजिशन ऑफ या इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैंने जो आपको लिंक भेजा था उस लिंक में ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर 6 है मेरे ख्याल से, कोहेरेंट सोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो वहाँ पे बता भी रखा है, तो इसको सॉल्व तो नहीं कर रही हूँ फिर भी बता दे रही हूँ। वहाँ पे हमने एक वेव वाई वन कंसिडर किया था जो ए वन साइन ओमेगा टी थी, दूसरी वेव वाई टू कंसिडर की थी जो हमारा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी, फाइव इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस था और ए वन ए टू एम्पलीट्यूड था। इन दोनों के सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू सॉल्व किया था, तो वहां से हमारी इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव आती है, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये इंटेंसिटी है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये फाई पे डिपेंड करता है कि इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई, वो एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये जो है फाई पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और कहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये बताइए मुझे टर्म मैक्सिमम कब होगी? सामने आपके एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब फाई की वैल्यू, मैम जब कॉस थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी, फाई की वैल्यू जीरो, हाँ जीरो होगी, या टू पाई होगी, हेलो मैम फोर पाई होगी, हाँ बोलिए मैम इवन, हाँ इवन मल्टीपल होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब देगा? जब हमें जब फाई की वैल्यू इवन मल्टीपल होगी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं टू एन पाई, यह हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ से आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, अगर मैं इसको ए वन और ए टू की टर्म्स में लिखूं, तो ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस फाई जीरो जो है वन देता है, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, तो आई मैक्सिमम ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? जब फाइ इक्वल टू क्या होगा? 90 श्योर? यस। अगर मैं माइनस लगा दूं यहाँ पे तो वैल्यू कम होगी, कि ये टर्म ही गायब कर दूं तो वैल्यू कम होगी? माइनस वन, फाइ माइनस वन का मतलब क्या हो गया? पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, यानी कि है ना, हम इसको बोलेंगे ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो यानी कि फाई क्या होगा हमारा? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अगर प्लस 1 लेते हैं
तो n इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, माइनस वन लेते हैं तो n इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज ऑड मल्टीपल ही होता है. तो मतलब phi की वैल्यू अगर 2n प्लस 1 पाई है तो ये इंटेंसिटी मिनिमम होती है. तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2. तो देखा जाए ये बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर i मिनिमम. ठीक है, सिलेबस में है? नहीं देखिए, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट ये मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये जो फेज रिलेशनशिप है इससे हम पाथ, अब हम जो कंडीशंस सॉल्व करेंगे वो कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस क्रिएट सॉल्व करेंगे. तो जब हमें फेज डिफरेंस की टर्म्स में मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन पता है तो हम पाथ डिफरेंस की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. वो भी मैं लास्ट में निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे आएंगी. ठीक है, तो अगर ये एक्सप्रेशन सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि आपको फेज की टर्म्स में पता है तो फिर आप पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सिलेबस में नहीं है, कोरेंट सोर्स सिलेबस में था, जो अभी हम आगे करेंगे वो सिलेबस में होगा. तो ये तो सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए है कि आपको पता होना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आती है जो कि फाई पे डिपेंड करती है. तो फाई मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, इन दोनों के बीच में जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा, और जब फाई इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है ऑड मल्टीपल होगा तो हमें मिनिमम वैल्यू देगा. चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं. तो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब वेव्स जो है सेम फेज में होंगी, है ना. कर रखा है देखिए, अगर ये सेम फेज में पहुंच रही है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होके मिलेगी, तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. और अगर ये दोनों रे अपोजिट फेज में पहुंच रही है तो उस केस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, डार्क मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है, ऊपर वाली वेव को फिक्स रखा है, नीचे वाली वेव कंटिन्यूअसली मूव कर रही है. तो देखिए जब दोनों सेम फेज में होती हैं तो यहाँ पे नीचे जो एनिमेशन दिखा रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है, और जब ये अपोजिट फेज में आता है तो ये कम होता चला जाता है और लाइन बन जाती है एक टाइम पे आके, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. तो फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है थोड़ा सा, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ अ सेम फ्रीक्वेंसी और अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवल इन अ सेम रीजन ऑफ अ मीडियम एंड सुपर इम्पोज्ड विद ईच अदर एट सम पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हाइल एट द सम पॉइंट इन अ मीडियम रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम. This phenomenon of light wave we call interference of light. ये तो एक definition हो गई, या दूसरी definition हम इसका बोल सकते हैं कि energy का क्या हो रहा है, redistribution हो रहा है. तो phenomenon of redistribution of light energy in a medium on the account of superposition of light waves from two coherent sources is called interference of light. तो इसको note कर लीजिएगा. Phenomenon of redistribution of light energy in a medium on the account of superposition of light waves from the two coherent sources is called interference of light. Yes, ma'am, हो गए. चलिए तो फिर अब हम constructive और destructive interference की यहीं पे आगे definition continue कर देते हैं. At points where the waves at points where the wave reach in same phase the resultant intensity is maximum This is called constructive interference. Destructive की definition क्या होगी? On the other hand, On the
on the other hand, at points where the wave reach in opposite phase, the resultant intensity is minimum. This is called destructive interference. This is called destructive interference. ठीक है, तो यहाँ पे definitions हो गई है हमारी interference की. अब conditions और देख लेते हैं in terms of part difference, क्योंकि जब कल मैं thin film कराऊंगी तो मैं condition for maxima और minima in terms of part difference ही कराऊंगी, phase difference नहीं कराऊंगी. phase difference वाली हम जब करते हैं, जब हम division by wave front करते हैं interference, तब डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड करते हैं, तो हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस यूज करते हैं. अभी इंटरफेरेंस हम क्या कर रहे थे, टू टाइप्स का पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लेकिन इंटरफेरेंस को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है डिवीजन बाय वेव फ्रंट और दूसरा है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड. तो डिवीजन बाय वेव फ्रंट क्या है, जो आप ट्वेल्थ तक पढ़कर आ रहे हैं इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस डिवीजन बाय वेव फ्रंट की एग्जाम्पल है. जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, फ्रेजनल बायप्रिज्म पढ़ा, लॉयड मिरर मेथड तो नहीं, ठीक है. इंटरफेरेंस डिवीजन बाय वेव फ्रंट का एग्जांपल कौन कौन सा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिवीजन बाय वेव फ्रंट का एग्जांपल है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. वहां क्या होता है, वेव फ्रंट का डिवीजन होता है टू पार्ट्स में. अब हमारे सिलेबस में है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो वो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का एग्जाम्पल है. वहां पर क्या होता है, जो लाइट वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड डिवाइड होते हैं और उनके बीच में हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. यस मैम, ये हो गया. हो गया, चलिए. तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो अभी हम पहले मैं वो लिख लेती हूँ जो हम पीछे लिख कर लाए हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. तो मैक्सिमा की कंडीशन हमने इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस लिखी थी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी. और मिनिमा के लिए हमने लिखा था कि अगर पाई ऑड मल्टीपल है तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी. ठीक है, ये तो हमने पढ़ी हुई है. अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस लिख लेते हैं. तो पहले फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं दोबारा लिख पा रही हूँ कि फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस. ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2π इनटू फेज डिफरेंस. म्यूट करिए माइक, किसी का माइक अनम्यूट है. ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन देख लेते हैं पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में. तो मैक्सिमम कब मिलेगा, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π. फेज डिफरेंस मैक्सिमम कब देता है, जब 2n π होता है. पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 2n λ/2. अब ये 2 से 2 कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कंडीशन याद करना आसान होता है कि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 अगर पार्ट डिफरेंस है तो मैक्सिमा देगा. मिनिमा की कंडीशन, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π. उसको एन लैम्डा बाय 2 तो डायरेक्ट बोल भी सकते हैं ना वैसे. हाँ हाँ, बोलेंगे, ऐसे ही बोला करेंगे कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो मैक्सिमा का कंडीशन है. और मिनिमा का कंडीशन हो जाएगा लैम्डा बाय 2π इनटू 2n+1π. पाई से पाई फिर कैंसिल हो जाएगा. टू एन प्लस वन पाई,
पाई से पाई फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, वेयर n इक्वल टू यहाँ पे 1, 2, 3, और इस केस में क्योंकि प्लस है तो n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो कंडीशन क्या बन रही है मैक्सिमा और मिनिमा की, अगर पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और पार्ट डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी. तो मैं ये दो कंडीशन यूज करूंगी जब हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म करेंगे. ठीक है, ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर ये याद हो ही जाएगी जब हम कल स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म. तो हम कई बार यूज करेंगे, जब हम रिफ्लेक्टेड का करेंगे तो भी यूज करेंगे, ट्रांसमिट का करेंगे तो भी यूज करेंगे, फिर वेज शेप्ड फिल्म करेंगे तो भी यूज करेंगे, फिर हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स रिंग करेंगे उसमें भी यूज करेंगे. तो याद हो ही जाएगा कि पार्ट डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो मिनिमम इंटेंसिटी.